तुम चिंता ना करो युवक, अब मैं अपनी दैत्य शक्ति का प्रयोग करूंगा। दैत्य शक्ति का प्रयोग? हाँ, दैत्य शक्ति, वो शक्ति जो मुझे भगवान शिव के वरदान से प्राप्त हुई है, उसी शक्ति को मैं दैत्य साम्राज्य की स्थापना में लगाऊंगा और तुम्हें दैत्य साम्राज्य का सेनापति बनाऊंगा। परंतु मैं दैत्य नहीं हूं, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, और भला मैं दैत्य साम्राज्य का सेनापति कैसे बन सकता हूँ? वीनु, मेरे मित्र, तुम मेरे हो, मेरे। मैं तुम्हें भयानक, विस्फोटक और विध्वंसक दैत्य शक्तियों से संपन्न करूंगा। तुम्हें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। वो सब तो ठीक है, किंतु एक बात साफ साफ सुन लो मित्र, मुझे अपने काम में तनिक भी हस्तक्षेप प्रिय नहीं है। जो मेरे साथ रहकर मेरा विरोध करता है, उसे मैं जीवित नहीं छोड़ता। मित्र, मैंने तुम्हें अपना मित्र बनाया, क्या यह तुम्हारे लिए छोटी बात है? तुम्हारे जैसा साधारण तुच्छ मानव कमलासुर का मित्र, कमलासुर का नहीं मित्र, तुम्हें अपनी मित्रता का वचन देना होगा, अन्यथा मैं आपको वचन देता हूं कि सच्चे मन से आपकी मित्रता को निभाऊंगा मैं। मित्र, हमें दैत्य साम्राज्य की स्थापना के लिए सैनिकों की आवश्यकता होगी, और सैनिकों के लिए धन की। परंतु धन आएगा कहां से? आएगा, धन भी अवश्य आएगा। हम दोनों मिलकर धनी लोगों को लूटेंगे, और देखते ही देखते धनवान और शक्तिवान बन जाएंगे। शक्तिवान। जय जय शिवा गणेश, जय जय शिवा गणेश। देखा विनु, देखा दैत्य शक्ति का ये चमत्कार? दैत्य शक्ति नहीं मित्र, आपकी शक्ति, आपकी शक्ति। किंतु इसमें तुम्हारा योगदान भी कुछ कम नहीं रहा। मानव होकर भी तुमने मानव जाति के विरुद्ध दैत्य जाति की सहायता की, और दैत्य जाति के इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। अब तुम वीनु नहीं रहे, अब तुम दैत्य सेनापति वीरासुर बन चुके हो। वीरासुर? हाँ, वीरासुर, वीरासुर वीनु। अब तुम्हें अभागे मानव की वेशभूषा को त्यागना हो, और दैत्य सेनापति का
वेश धारण करना होगा। अब मैं तुम्हें दैत्य सेनापति वीरासुर बनाता हूं। वीरासुर वीरासुर Yeah!